Dear students, in this topic, we shall discuss what are triads and the membrane receptors in these triads. Dear students, in a skeletal muscle fiber, a T-tubule is associated with two terminal cisternae of sarcoplasmic reticulum on its both sides. This arrangement is. जिसमें के तीन ट्यूब्स या सैक्स इकट्ठी एक, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, दिस फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ए ट्राइट दीज ट्राइड आर लोकेटेड एट जंक्शन बिटवीन ए एंड आई बैंड ऑफ सार्कोमियर जहां पर ए और आई बैंड जो है वो ज्वाइंट कर रहे हैं बिल्कुल उसी जगह के ऊपर ही ये ट्राइड पाए जाते हैं हर स्केलेटल मसल फाइबर के पास इस तरह के हजारों टायर्स मौजूद होते हैं जो कि जब हम मसल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तो उसमें विजिबल होते हैं डे स्टूडेंट्स दी स्टायर्स फॉर्म द एनेटोमिकल बेसिस ऑफ एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग ड्यू टू विच द ए स्टिमुलस एक्साइट्स द मसल एंड कॉजेज इट्स कॉन्ट्रेक्शन ट्रायर्ड्स में टी ट्यूब्यूल्स और सार्कोप्लाज्मिक क्रेटिकुलम की जो क्लोज एसोसिएशन है उसकी वजह से टी ट्यूब्यूल में एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्मिक क्रेटिकुलम पर इफेक्ट करता है और उससे कैल्शियम आयंस की रिलीज करवा लेता है डियर स्टूडेंट्स देयर आर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स इन दिस ट्रायर्ड रीजन Which are involved in the release of calcium ions. These specialized channel proteins in the membrane of sarcoplasmic reticulum are known as ryanodine receptors. When these ryanodine receptors open, calcium ions are released from the sarcoplasmic reticulum. नाउ वी शैल डिस्कस दी मैकेजम ऑफ ओपनिंग ऑफ रॉनोडीन रिसेप्टर राइनोडीन रिसेप्टर ओपन जब टी uh, ट्यूब्यूल में एक्शन पोटेंशियल आता है तो वो इफेक्ट करता है रायनोडीन uh, रिसेप्टर्स को कि वो ओपन हो लेकिन इस ओपनिंग के लिए जो मैकेनिज्म है वो ये है कि टी ट्यूब्यूल की मेमब्रेन में एक रिसेप्टर है जिन्हें कहते हैं रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स एक्चुअली प्रोटीनस का एक क्लस्टर हैं और ये जो क्लस्टर है ये वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन्स का क्लस्टर है और ये रिसेप्टर्स उस वक्त एक्टिवेट होते हैं जब टी टीबीज में एक्शन पोटेंशियल मौजूद होता है जब एक्शन पोटेंशियल टी, -टी में होता है जो तो डाईहाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं जिसका मतलब ये है कि ये अपनी कंफर्मेशन को चेंज करते हैं इन दिस इन दिस एक्टिवेटेड स्टेट ये डाईहाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर्स फिजिकली इंटरैक्ट करते हैं या मैकेनिकली इंटरैक्ट करते हैं विद द राइनोडिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द मेंब्रेन ऑफ टर्मिनल सिस्टनी ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज ए रिजल्ट ये इन राइनोडीन रिसेप्टर्स की कन्फर्मेशन को भी चेंज करते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ट्राइड में दोनों मेम्ब्रेन जो एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड हैं उनमें से जो टर्मिनल सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन है उसके पास राइनोडीन रिसेप्टर्स हैं जबकि टी ट्यूब्यूल की मेम्ब्रेन के पास डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स हैं दोनों की क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से जब डाईहाइड्रोपारीडीन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये मैकेनिकली स्टिमुलेट करते हैं रैनोडीन रिसेप्टर्स को जो कि एक्टिवेट होते हैं तो इसके नतीजे में ये ओपन हो जाते हैं और इनकी ओपनिंग की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज होना शुरू होते हैं द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस कॉजेज दी कॉन्ट्रैक्शन टू हैपन